गुड़िया हमेशा से ही बच्चों का मनपसंद खिलौना रहा है और संग्रहकर्ता इसे चाव से इकट्ठा करते हैं, लेकिन धार्मिक रिवाजों में इन्हें अच्छे और बुरे का प्रतीक माना गया है। उसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हम पागल हैं। शुरुआत छोटी बातों से हुई थी, जैसे कि उसके हाथ या पैर अलग पोजीशन में होते थे, कभी उसका सर नीचे की बजाय ऊपर होता था, और फिर एक दिन वो अपने आप अलग ही कमरे में पहुंच गई। वो खुद ही चलती रहती थी। कमिला उसके जरिए आत्माओं से संपर्क करने लगी। हमें पता चला कि उस गुड़िया में एक लड़की की आत्मा थी जिसका नाम था एनाबेल हिगिन्स। उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी, वो हमारी दोस्त बनना चाहती थी। जब हमने उसके बारे में सुना तो हमें उस पर तरस आया, मतलब हम नर्स हैं, हम मदद करते हैं। लेकिन फिर उसकी शुरुआत हुई। तुम्हें वो मिली कहाँ से? मेरी मॉम ने मुझे इसे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। मुझे पता नहीं वो इसे कहाँ से लाई थी, पर हम बहुत डरे हुए हैं। ईश्वर को बलिदान पसंद है और हमारा बलिदान ईश्वर को प्रभावित करता है। अपने